हफ्ते ज़बरदस्त मेरे सीसेम दिलकश चीज़ी कबाब बने हैं। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विशाइना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गर्मा गर्म नई मज़ेदार किस्म की डिश, जिसका नाम है सीसेम दिलकश चीज़ी कबाब, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप ये पूरी रेसिपी देखिएगा एंड तक, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और आप चाहते हैं आपके ये ज़बरदस्त किस्म के सीसेम दिलकश चीज़ी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बने, तो आप प्लीज़ एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, पूरे पार्ट देखिएगा और पूरी रेसिपी मेरी देखिएगा, ताकि आपके ये दिलकश चीज़ी कबाब ज़बरदस्त किस्म के बन जाए। उसके लिए हमने जो जो चीज़ें ली है मैं आपको बता दूं मैंने क्या लिया है। 2 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, देखें इसको मैंने धो के साफ सुथरा करके ये रख लिया है प्लेट के अंदर। 2 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है और ये मैंने 1 किलो चने की दाल ली है, इसको भी मैंने धो लिए। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने 10 से 15 अदर मैंने ये ग्रीन चिली ली है, यानी हरी मिर्चें ली हैं। और ये अदर लहसुन का पेस्ट मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। और 1 पुदीने की गड्डी मैंने ली है और 1 हरा धनिया की गड्डी ली है। और जो मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैं आपको बता दूँ, मैंने 3 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मसाले थोड़े बढ़ा लीजिएगा, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो ये मेरी तरह मसाले लीजिएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक बर्तन में सबसे पहले कीमा, चने की दाल ये डाल के, और तकरीबन मैं 2 जग भर के पानी के डाल दूँगी, ताकि अच्छे से हमारा कीमा और चने की दाल सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए मैंने ये इसमें पानी तकरीबन पानी मैंने 2 जग के करीब मैंने पानी इसमें इस पतीले में डाला है। इतना पानी हमें डालना अपने अंदाजे से कि मतलब ये हमारा गोश्त सही से गल जाए, गोश्त का कीमा है, बल्कि ये मवेशी जल्दी गल जाता है। कीमा इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले मैं, कीमा इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब इसी के अंदर मैं चने की दाल डाल दूँगी, चने की दाल है इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चने की दाल इसमें डाल दी मैंने, इस साइड पे कर देंगे। और इसी में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। मैं सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ, पिसे हुए सारे मसाले से ही, ये गरम मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, ये कुटा हुआ जीरा इसमें ऐड कर रही हूँ, ये पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसमें ये नमक ऐड कर रही हूँ, ये कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब इन सबको मिक्स करके फ्लेम मीडियम करके मैं इसको कवर करके इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के। 1 घंटे में हमारी ये चने की दाल और कीमा बहुत अच्छे से गल जाएगी, यानी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, ठीक है। ये मैंने कवर कर दिया इसको, ये देखिए हमारा कीमा चने का बहुत सही से बॉयल हो चुका है, अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है, ये दाल भी सॉफ्ट हो गई है। थोड़ा सा पानी रह गया, इसको मैं खुश कर लूँगी, बिल्कुल खुश करने के बाद इसको मैं ठंडा करने रख दूँगी, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। पानी खुश हो जाए इसका, फिर मैं निकाल, तो हमारा कीमा ठंडा हो रहा है, जब तक हम जो है ना हरी मिर्ची इसमें चॉप कर लेंगे, इस साइड पे कर देंगे, इसमें प्याज चॉप कर लेंगे, कर लिया इसको मैं निकाल दूंगी, इसमें जो बची हुई प्याज है वो भी इसमें डाल दूंगी मैं, अभी बची हुई प्याज है वो इसमें डाल देंगे, देखें इसको भी हम इसी तरह चॉप कर लेंगे, फिर हरा धनिया पुदीने को भी इसी में चॉप कर लेंगे। देखिए ये प्याज भी चॉप हो गई है, इसमें निकाल दूंगी मैं। अब इसी तरह मैं हरा धनिया और पुदीना जो है उसको चॉप कर लूँगी,
इसी तरह हरा धनिया और पुदीने को हम चॉप कर लेंगे, ठीक है। ये पुदीना भी चॉप कर लिया मैंने। अब हम इसी तरीके से हम कीमा पीस लेंगे, अच्छी तरह बारीक कीमा पीस के फिर उसमें ही सब ग्रीन मसाले उसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमने कीमा भी पीस लिया, बिल्कुल रेडी हो गया कीमा। अब इसी में मैं हरा धनिया पुदीना जो मैंने ग्राइंड किया था बारीक बारीक इसको भी इसमें मिक्स कर दूंगी मैं। ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं, उसमें साइड पर कर देंगे इसको हम। इसी में ये प्याज हरी मिर्च जो चॉप की थी वो भी इसी में मिक्स कर रही हूँ। देखें और इस तरह मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक मिर्ची मसाले कम लगे तो आप इसी भी मिर्च वगैरह और नमक सेंधा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं दो अंडे मिक्स कर दूंगी, देखिए दो अंडे ये मिक्स कर रही हूँ। अब मैं सबको अच्छी से मिक्स कर लूँगी, इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने सब मिक्स कर लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, प्याज, अंडे आपके सामने सब डाली थी, सब अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने ट्रे में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर रस किया है। अब इसके ऊपर मैं ये कबाब बना के इसके ऊपर मैं रखूँगी। अब सबसे पहले हम कबाब का ही पीस लेंगे, इतना बड़ा हमको साइज लेना है। और ये मैंने ये सेम सी सेम मैंने रखे हुए एक प्याली में। अभी बताऊँगी किस तरह लगाएंगे। ये मैंने चीज़ रखी हुई, देखिए चीज़ भी रखी हुई। ये अंडा मैंने पैक किया रखा हुआ बुरश है। और ये मैंने कटर इससे कटिंग करूँगी, दिल की शेप में बनाकर आपको दिखाऊंगी। आप चाहे तो गोल शेप में बना सकते हैं, चाहे तो दिल की शेप में बना सकते हैं। साइज वगैरह अपने पसंद से, कटर के पीस अपनी पसंद से बना सकते हैं आप, जैसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अपनी पसंद से शेप दे सकते हैं आप कबाब को। देखिए मैंने इसका कर ले लिया, कमरा पीस ले लिया। इसके अंदर मैंने गोल गोल करके इसके अंदर मैंने ये चीज़ रख रही हूँ। ये देखिए चीज़ रख ली मैंने, चीज़ रख रही। मैं इसको इस तरह फोल्ड करना है, मैं फोल्ड कर लिया मैंने अच्छे से। इसी तरह सारे कबाब हमें तैयार करने हैं। चीज़ आ गई सेंटर में बिल्कुल। इसको ऐसे रखूँगी इसके अंदर और इसको कटर से इस तरह इसको कटिंग कर लेंगे। मैंने अच्छे से इसको इस तरह कटिंग कर लेंगे। साइड निकाल देंगे हम इसके, यहाँ से निकाल दिया मैंने साइड, हाथ रख के सही से निकाल दिया। इस तरह से कटर को निकालना, इस तरह के सारे कबाब हम रेडी करते जाएंगे और यहाँ रखते जाएंगे। थोड़ी सी शेप हाथ से और आप इस तरह कर लेंगे जैसे मैंने कर लिए, ठीक है। बाकी के कबाब भी इसी तरह बनेंगे हमारे जैसे मैंने आपको बताए थे। ये देखिए हमारे सीसेम दिलकश चीज़ी कबाब रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। देखें दिल की शेप में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। अब मैं बुरश से इसके ऊपर अंडा लगाऊंगी। ये देखिए लाइट लाइट से हमें अंडा लगाना है इसके ऊपर। सारे कबाब के ऊपर मैं इस तरीके से बुरश से अंडा लगा लूँगी। ये मैंने लगा लिया। अब मैं इसके साइड चेंज कर दूंगी। ये देखिए साइड चेंज कर रही हूँ सबके। ये देखिए साइड चेंज कर दिया मैंने। अब मैं इसमें अंडा लगा रही हूँ लाइट लाइट से बिल्कुल। अब मैं इससे सी सेम यानी तेल इसमें डाल रही हूँ। देखिए ये छिड़क रही हूँ इसके ऊपर सही से। तो सीसेम कह रही हूँ, तिल भी कहते हैं इसको, पता होगा आप लोगों को सबको लाजमी। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे ये कबाब।
अब मैं इसको फ्राई करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए हम एक एक करके इसमें फ्राई करेंगे। हल्का सा ऑयल डाला हुआ है मैंने फ्राई पैन में, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है। ये देखिए ये हमने इसमें डाल दिए। देखिए मैं साइज साइड चेंज करूंगी इसका, ठीक है। हल्के हल्के हाथ से तरीके से हमारी, ताकि ये कबाबों की शेप खराब ना हो। ये साइड चेंज कर दिया मैंने, इसी तरह सारे कबाब के साइड चेंज कर लेंगे हम। ये देखें कर लिया हमने। ये देखें ये हमारे सी सेम दिलकश कबाब रेडी हो चुके हैं। मैं इसको निकालूंगी, फ्राई हो गए हैं। दूसरे साइड भी इसका सिक चुका अच्छा खासा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब चीज़ पहले से बॉईल की हुई थी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देखिए सी सेम दिलकश टीजी कबाब रेडी हो चुके हैं, और कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि शाइन आप भी कितने ज़बरदस्त कबाब बने। आप मैं तो कहती हूँ आप कल ही ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बने और बहुत ही नई डिश बनाई है मैंने। वो नए कबाब हैं, अभी तक आपने खाए नहीं होंगे इसे, ना देखे होंगे आपने, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ कितने मज़े के चीज़ी कबाब बने मेरे ये। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब मैं इसको तोड़ के और खा के दिखाती हूँ कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ देखें ये ज़बरदस्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।